मैं घर में सबसे छोटा हूँ। निकाह हो गया क्या? सब कहते हैं कि भाई घर में आप सबसे छोटे, बहू बहू हो लेकिन छोटा ना हो। हाँ, बहुत सही कह रहे हो, ठीक है, बहुत सही। मैं भी हूँ, तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हाँ। तो मेरे शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे, मैं खुद अपना कुर्ता इस्त्री कराने भाग रहा हूँ। भाई खुदा के वास्ते आज तो आ रहे मेरे कपड़े इस्त्री करते, ठीक है जी। अब वो इस्त्री हो रहे हैं, मैं घर आ गया बाकी तैयारी कराने, फेशियल वेशियल वगैरह कुछ नहीं हुआ, सीधा मुंह धोया और चले गए। तो वो दुकान बंद करके चला गया, अभी के कपड़े उसके पास हैं। फिर उससे चाबी लेके खुलवाई दुकान और फिर कुर्ता लिया। खैर शादी हो गई, शादी होके जब आए तो घर की चाबी खो गई। निशानियां थी, निशानियां। हमारे घर का रिवाज है ये, अब घर की चाबियां खो देते हैं, कभी फराज खो देता है, कभी अम्मी, कभी मैं। तो अब दुल्हन साथ आई हुई है और चाबी नहीं है। अब मैं पड़ोसी को बोला, उन्होंने बोला नहीं आप लोग ने आदत बनानी है हमारे घर से कूदने की, आज नहीं जाने देंगे। वो भी रस्में कर, मैंने बोला भाई आज शादी है भाई खुदा के बारे। दूल्हा दीवार फलांग रहा है, दीवार भी बाथरूम की। उनकी बाथरूम की वो पहले इस बात पे खफा थे कि यार हमारी बाथरूम खिड़की इनके घर पे खुल रही है। अरे अरे, तो फिर उनके बाथरूम से यूं यूं नागिन की तरह मैं अपने घर गया। फिर अगले दिन वलीमा, एक तो मुझे समझ नहीं आता, हालांकि पूरी फारिग कौम है, फिर भी वलीमा फौरन दूसरे दिन। भाई 4 दिन ले लो, 4 दिन टाइम लगाओ। अब हम फोटो सेशन होता है ना, यहाँ हाथ रखें, यूं करें, प्यार से देखें, ये करें, फोटो शूट हो रहा है, ये सब चले गए। भाई आ जाना आ जाना आ जाना, मेरी शादी ही सब चले गए। अब मैं नीचे घर में ताले वाले लगा के, कुंडलियाँ लगा के, मैं और मेरी बेगम शादी के लिए जा रहे हैं। नीचे कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, हम दोनों खड़े हैं। असली है, मेरी बेगम कह रही है कि कैसे जाएंगे। मैंने बोला पता नहीं गाड़ी कहाँ गई। अब मैं इनको फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसे करे यार अभी तक नहीं आए, आ जाओ ना यार, जज्बाती। इतने में एक गाड़ी जा रही थी, नदीम भाई, दानिश भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? मैंने भाई शादी में जा रहा, हम भी आपकी शादी में जा रहे हैं। मैंने भाई मुझे ले चलेंगे, कह रहे चले। अब उनकी वो मियाँ बीवी, उनकी 2 बेटियाँ, उनकी मासी, ठीक है। अब हम कहाँ बैठे, आगे बैठ जाओ नहीं पीछे बैठ जाओ नहीं। मैंने ऐसा करे, मैंने मासी को उनकी मेट जो थी, मैंने बाजी उधर हो जाए, यूं 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 करके हम, तो उनकी 2 बच्चियां एक दूसरी गोद में बैठी, मासी फिर थोड़ा उधर हुई, फिर मेरी बेगम और मैं यूं यूं बैठ के हम गाड़ी में हम अपनी बारात में पहुंचे। ये था किस्सा।